नमस्कार, आज पुनः इतिहास कुंभ में आपका स्वागत है। आज इतिहास कुंभ में जो यूनानी सभ्यता का एक अंतिम पाठ रह गया था, हेलेनिस्टिक कालखंड, उस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से विकसित यूनानी सभ्यता का विस्तार होता है, किस प्रकार से उस सभ्यता के जो नए नए केंद्र विकसित होते हैं और उन नए केंद्रों के साथ किस प्रकार से यूनानी सभ्यता में भी बड़े महत्वपूर्ण तत्व जुड़ जाते हैं और यूनानी सभ्यता और यूनान की जो विकसित सभ्यता है वो किस प्रकार से यूनान से निकल करके एशिया और एशिया के बाद वो भारत के तट तक पहुंच जाती है, अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रों को प्रभावित करती है, इसी पर हम आप चर्चा करेंगे। हम जैसा पहले देख चुके हैं कि जो यूनान की सभ्यता है उसके तीन भाग थे। हमने कांस्य युग में हमने हेलेनिक कालखंड पढ़ा, हेलेनिक कालखंड जो लौह युग काल था और हेलेनिस्टिक कालखंड जो सिकंदर की मृत्यु के बाद और लगभग 31 बीसी के पहले तक की जो घटनाएं हैं, ईसा पूर्व की घटनाएं हैं, 31 ईसा पूर्व की, इसको हम देखते हैं किस प्रकार से जो है इसमें मुख्य रूप से जो घटनाएं हैं वह यूनान की सभ्यता, वस्तुतः सिकंदर जो मकदूनिया का शासक था और उसका जो विस्तार होता है, वो जब बड़े बड़े नए क्षेत्रों को विजयित करता है, विजयी होता है और उन क्षेत्रों पर जब अपना प्रभाव जमाता है तो उन क्षेत्रों की जो अपनी जो एक स्वदेशी संस्कृति है और इसके साथ साथ जो यूनान की संस्कृति है, उन दोनों संस्कृतियों का जो सम्मिलन होता है उसके बाद कुछ नए तत्व, कुछ नई बातें सामने आती हैं और उसने जो है हेलेनिस्टिक जो संस्कृति है, हेलेनिस्टिक जो प्रभाव है उसका विस्तार किया है। लगभग ये लगभग 300 ईस्वी तक जो है, 300 तीन शताब्दी तक इसने पूरे दुनिया को प्रभावित किया है, पूरे एशिया महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को और यूरोप के महाद्वीप को इसने प्रभावित किया है। इस सभ्यता के बाद ही फिर रोम की सभ्यता का विकास होता है, फिर बाद में अंधकार युग आता है और बाद में फिर इसके बाद हम जैसा जानते हैं पुनर्जागरण का कालखंड आता है। तो ये यूनान की सभ्यता, ये हेलेनिस्टिक कालखंड इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक आधार भूमि तैयार कर रहा है और उसी के कारण हम सभ्यताओं के बीच में एक नया संक्रमण, सभ्यताओं के बीच में कुछ नए समन्वय के बिंदु देखने को मिलते हैं। हम इसी कालखंड को देखते हैं कि जब ये भारत के तट तक पहुंचता है तो इंडो ग्रीक के रूप में, हिंद यूनानी के रूप में नए नए शासक सामने आते हैं। बैक्ट्रिया का साम्राज्य सामने आता है जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में आता है। हमने पार्थिया का, पार्सियन साम्राज्य में भी हम देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर नामक शासक का प्रभाव बढ़ जाता है और उसके बाद उसके जो अन्य जो उत्तराधिकारी होते हैं, एंटियोकस एक से लेकर के और बाकी एंटियोकस, इन लोगों के बीच में किस प्रकार से सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके जो सेना नायक हैं, जो उनके जो कमांडर्स हैं, उनके बीच में किस प्रकार से सभ्यता का विभाजन होता है, वो भी हेलेनिस्टिक कालखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है, विशेषकर जब साम्राज्य की दृष्टि से हम अध्ययन करते हैं। हम देख सकते हैं कि कुछ भागों में मैंने यहां विभक्त किया हुआ है, निशान बनाया हुआ है, सीमाएं बनाई रखी हैं कि किस तरह से ये अलग अलग क्षेत्र है। हम देखेंगे कि सिकंदर की मृत्यु के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो उसका जो सिपे सलार था, सेल्यूकस हम सब उससे परिचित हैं, सेल्यूकस के अंतर्गत ये पूरा भारत के तट से लेकर के और मेसोपोटामिया की सभ्यता, पर्सिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, बैक्ट्रिया का क्षेत्र, ये सब कहीं ना कहीं सेल्यूकस के अधीन आ जाता है। इसके अलावा हम यहाँ का ये जो क्षेत्र है, जो अलेक्जेंड्रिया है, जो अलेक्जेंडर के नाम पर ये नगर बसा था, हम ये देख सकते हैं इस क्षेत्र को टॉलमी नामक जो शासक है, टॉलमी फर्स्ट, टॉलमी सेकंड और उसके बाद बाकी के शासक, इन लोगों ने बड़े महत्वपूर्ण तरीके से अपने अधीन ले लिया था। ये क्षेत्र जो है ये एंटीगोनस के क्षेत्र में आता है। एंटीगोनस वो उसका सिपहसालार है अलेक्जेंडर का। ये कैसेंडर के क्षेत्र में आता है, कैसेंडर भी एक उसका सिपेसालार है और उसके क्षेत्र में आ जाता है। कैसेंडर और एंटीगोनस बाद में बहुत कम महत्वपूर्ण रह जाते हैं, समय के साथ साथ जो महत्वपूर्ण शासक सामने आते हैं वो सेल्यूकस के साथ हम चंद्रगुप्त मौर्य की जो हमारे यहां मौर्य साम्राज्य का सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके साथ सेल्यूकस निकेटर के युद्ध का वर्णन हम जानते हैं किस प्रकार से उसने सेल्यूकस को पराजित किया था और इसके बाद कांधार, हेरात और काबुल जैसी जगहों पर उसने अपना जो है क्षेत्र विस्तृत किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि सेल्यूकस और जो ये टॉलमी है,
इनके बीच में सीरिया के क्षेत्र पर अधिकार को लेकर के, जहां पे ज्यूज हैं, जहां यहूदी साम्राज्य का, यहूदी धर्म संप्रदाय का जो बड़ा प्रमुख स्थल भी है जेरूशलम, उन सब एरिया को लेकर के सेल्यूकस और टॉलमी के बीच में युद्ध होता है, सीरिया के क्षेत्र को लेकर के युद्ध होता है, और लगभग 6 युद्ध होते हैं इस कालखंड में। अंततः इन दोनों के बीच में संघर्ष और समन्वय, संधियां, विवाह, शादी, इन सबके माध्यम से ये 6 युद्ध, सीरियन युद्ध होते हैं। बाद में इसका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जैसा कि अभी इसके पहले मैंने बताया कि साम्राज्य विस्तार से अधिक संस्कृति के विस्तार पर होता है। लोकल जो संस्कृति है, जो देशज संस्कृति है, वो निश्चित रूप से वहां पर अब जो शासक वर्ग है वो यूनानी परंपराओं को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं, यूनान की जो संस्कृति है उसके पोषक लोग हैं। तो एक प्रकार से जो शासक वर्ग है और जो नीचे शासित वर्ग है उनके बीच में कहीं ना कहीं टकराहट की भी स्थिति आती है, परंतु दोनों ही जगहों पर समन्वय भी देखने को मिलता है। इसलिए अलेक्जेंड्रिया से लेकर के और भारत के तट तक पूरे एशिया महाद्वीप, जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है, जो ईस्ट एशिया का क्षेत्र है, दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है, और इसके अलावा जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में, पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, इन सभी जगहों पर हम जो संस्कृत के नए तत्व देखते हैं उसमें यूनानी परंपरा दिखने लगती है। यहाँ पे दर्शन का विकास हो रहा है। अब इस कालखंड में हम देखते हैं, जब हेलेनिस्टिक कालखंड है तो इसमें दर्शन के भी कई क्षेत्र सामने आते हैं। दर्शन में, हेलेनिस्टिक में हम स्टोइक संप्रदाय को देखते हैं। स्टोइक के अलावा सिनिक्स है, इसके अलावा स्केप्टिज्म है, संदेहवादी जो है, जो बाद में चलकर के ह्यूम के नेतृत्व में हम देखते हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में ह्यूम का संदेहवाद सामने आता है। इन सब की जो परंपरा है कहीं ना कहीं वो हेलेनिस्टिक कालखंड में ही बन जाती है। और इसमें जो है दर्शन का जब हम क्षेत्र देखते हैं तो इसमें हमको जो प्रमुख दार्शनिक देखते हैं वो स्टोइक संप्रदाय है। दूसरा जो है वो सिनिक्स है। तीसरा हम देखते हैं कि इसी में, जैसा मैंने बताया कि एपिक्यूरियन है। और एक चौथा जो संदेहवादी है, स्केप्टिसिज्म है। तो संदेहवादी दार्शनिक भी जो है, संदेहवाद भी इस समय जो है बड़े महत्वपूर्ण रूप में सामने आता है। हम अगर स्टोइक की चर्चा करें, सिनिक्स की चर्चा करें, तो हम देखेंगे कि ये जो दार्शनिक हैं, ये कहीं ना कहीं नेचुरल जो प्राकृतिक जो जीवन है उससे जुड़े हुए हैं। सिनिक्स तो बिल्कुल अपने आप को गरीबी में रहना और ऐसे वातावरण में रहना जिनसे इनको समाज से कोई मतलब नहीं है, और बिल्कुल प्योर प्राकृतिक रूप से जीवन जीने के बड़े ही प्रवर्तक रहे हैं। इसमें जेनो एक नामक दार्शनिक बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से स्टोइक है। स्टोइक में हम जब देखते हैं तो डायोजीनस का नाम आता है, उसके पहले अगर हम देखते हैं तो एंटिस्थीनस का नाम आता है। ये दार्शनिक जो हैं स्टोइक में डायोजीनस और एंटिस्थीनस, ये दो दार्शनिक हैं, और सिनिक्स में जेनो। संदेहवाद में भी कई दार्शनिकों का नाम आता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, हमने चर्चा किया है संदेहवादी दार्शनिक और एपिक्यूरियन। इन संदेहवादी दार्शनिकों में भी हम फाइरो का नाम पढ़ते हैं, पाइरो कह सकते हैं, पाइरो संदेहवादी दार्शनिकों में इनका बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। इसी प्रकार से सिनिक्स के जीनो का बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। स्टोइक में जैसा मैंने भी बताया कि एंटिस्थीनस, ये बड़े महत्वपूर्ण दार्शनिक रहे हैं। इसके अलावा डायोजीनस का भी नाम आता है। ये दर्शन परंपरा जो है, वस्तुतः इनकी उस समय की जो सिकंदर है उसने हर तरह से तर्क को और बौद्धिकता को इसको बहुत अधिक प्रश्रय दिया।
यहां तक कि सिकंदर के इन्हीं प्रयासों के नाते ही हम देखते हैं कि विज्ञान का बड़ा महत्व बढ़ता है और वैज्ञानिकों के रिसर्च को, शोध को उसने बहुत प्रोत्साहन दिया, धन भी उपलब्ध कराए। इस कारण से दर्शन के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं कि हेलेनिस्टिक कालखंड के प्रारंभ में ही, जब हेलेनिस्टिक कालखंड नहीं प्रारंभ हो रहा उसके पहले सिकंदर के समय से जो एक परंपरा बन गई थी दर्शन के प्रति, तर्क के प्रति, उसके नाते क्या होता है कि आगे दार्शनिकों की और वैज्ञानिकों की और इसके अलावा जो औषधि विज्ञानी हैं, इन सब के लिए एक बहुत अच्छा जो है माहौल मिलता है, एक बहुत अच्छा जो है अवसर मिलता है। और हम देखते हैं कि ये कालखंड जो है दर्शन, कला, इतिहास, हेरोडोटस जो उस समय का इतिहासकार था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, वो मैं हम देखते हैं कि अब जो है प्लूटार्क आ चुका है, डियोडोरस आ चुके हैं, ऐसे इतिहासकार नए नए सामने आ चुके हैं, ये इतिहास की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कला के क्षेत्र में विकसित कला सामने आ रही है और मैं जैसा भी पहले बताया कि चूंकि अब कलाओं के क्षेत्र में भी, दर्शन के क्षेत्र में भी, गणित के क्षेत्र में भी अलग अलग एशिया के क्षेत्रों के साथ जो है या अफ्रीका के क्षेत्रों के साथ जो समन्वय हो रहा है, उससे नई कला, नया गणित, नई जो है दर्शन परंपरा, इन सब का भी आविर्भाव हो रहा है। तो हम कला के क्षेत्र में, जैसे हम सभी परिचित हैं, गांधार कला जो है भारत में, वो कहीं ना कहीं हिंद यूनानी प्रभाव का ही जो परिणाम सामने आता है। इसी प्रकार से बामियान की मूर्तियां वगैरह, इसी प्रकार से जो है ईरान में, इसी प्रकार से अफगानिस्तान में, सब जगह हम देखते हैं, यहां तक कि अलेक्जेंड्रिया में भी जो वहां की कलाकृतियां हैं वो सब पर जो है यूनान की सभ्यता का या विकसित यूनान की सभ्यता का, हेलेनिस्टिक काल का बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो मैंने जैसा बताया कि दर्शन के बाद हम अगर विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं कि विज्ञान या गणित में कौन कौन से नए विकास हो रहे हैं, नए तत्व सामने आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि खगोल का क्षेत्र जो है, खगोली घटनाएं जहां पर है विज्ञान के क्षेत्र में, असल में पहले अभी तक जो है दर्शन के ही अंतर्गत विज्ञान को भी अभी तक माना जाता था यूनानी परंपरा में, कि विज्ञान भी दर्शन का ही हिस्सा है, लेकिन अब एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विज्ञान का जो प्रभाव है या विज्ञान का जो विस्तार है वो अब नए सिरे से देखने को आ रहा है और वो है हेलेनिस्टिक कालखंड में आ रहा है, क्योंकि अब यूनान की सभ्यता ने अन्य ऐसे क्षेत्रों को भी तक भी अपनी पहुंच बनाई है जहां पर विज्ञान एक नए रूप में और एक नए विषय के रूप में, एक विषय वस्तु के रूप में अध्ययन में लाया जा रहा है। भारत से गणित के क्षेत्र में विज्ञान यूनानियों का जो है संपर्क बढ़ता है, इसी प्रकार से अरब के साथ उनका संपर्क पड़ता है, अरब क्षेत्र से, अभी अरब आए नहीं है, अरब तो हम देखेंगे 7वीं-8वीं शताब्दी में ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो क्षेत्रीय जो विशेषताएं हैं उन्होंने यूनान को भी प्रभावित किया है। हम आगे देखते हैं, मैंने जैसा चर्चा किया कि हम विज्ञान के क्षेत्र में जिन चीजों पर चर्चा करेंगे, जो जो उसके जो क्षेत्र हैं, हम उस पर पहले चर्चा करते हैं और हम देखते हैं कि जो यहां पर जो एंटीगोनस का क्षेत्र है या जो तुर्की का आधुनिक काल क्षेत्र है या इटली का जो क्षेत्र है या जो अलेक्जेंड्रिया है, इन सब जगहों में या कालकेडियन संप्रदाय जो है, जो मेसोपोटामिया में बाद में विकसित, मेसोपोटामिया में हम देखने को पाते हैं कि एक नई सभ्यता कालकेडियन आ रही है, वहां पे यानी कि इराक में, इराक के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक प्रवृत्तियां सामने आ रही हैं, उन सब क्षेत्रों ने मिलकर के जो है विज्ञान को पोषित किया है और उसके नाते जो जो नया तत्व तो सामने आ रहा है, उसकी जो तीन विशेषताएं, तीन चार कही जा सकती हैं कि हेलेनिस्टिक विज्ञान की विशेषता क्या हो सकती है, तो उसमें जैसा मैंने बताया कि चूंकि विस्तार हो रहा है हेलेनिस्टिक कालखंड का, तो इसलिए वहां पर ज्ञान का मिश्रण देखने को मिल रहा है, विज्ञान का भी मिश्रण देखने को मिल रहा है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का अपना जो ज्ञान है उसका मिश्रण देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जैसा मैंने अभी बताया कि ये जो विकास हो रहा है वो सिकंदर के जो प्रयासों का प्रतिफल है वो भी सामने आ रहा है, क्योंकि सिकंदर स्वयं विज्ञान के प्रति बहुत अधिक जागरूक था, तो इसलिए उसके जो कमांडर्स हैं उन्होंने भी विज्ञान को बहुत अधिक जो है प्रश्रय दिया। इसके साथ ही साथ हम एक दो जो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें देख सकते हैं वो ये है कि अब धीरे धीरे हमारा जो समाज है उसमें भी विज्ञान का के प्रति या दर्शन से थोड़ा हट करके अब वो ज्ञान के प्रति जो है एक जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसके प्रति जो है आग्रही हो गए हैं, तो इसलिए अब विज्ञान एक नए रूप में सामने आ रहा है और इसमें जो है अगर हम खगोल विज्ञान की चर्चा करें, एस्ट्रोनॉमी में अगर चर्चा करें, तो हमको देखने को मिलता है कि कुछ जो महत्वपूर्ण जो है, जैसे थियोफ्रास्टस का नाम हम ले सकते हैं अभी, और जिसने जो है, ये भी वैज्ञानिक ही हैं, हालांकि ये इन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र को अधिक जो है महत्व दिया है, थियोफ्रास्टस
फ्रास्टस, ये जीव विज्ञानी है और इन्होंने पौधों के जीवन पर चर्चा की है थियोफ्रास्टस ने। और अर्थात खगोल के साथ साथ हम देख सकते हैं कि जीव भी विज्ञान एक नए विज्ञान के रूप में सामने आ रहा है। हम पाइथागोरस के प्रमेय वगैरह से परिचित हैं, आर्कमिडीज, आर्कमिडीज अब भौतिक विज्ञान को एक नए रूप में ला रहा है, यानी विज्ञान की शाखा में भौतिक विज्ञान आर्कमिडीज की देन है और वो जो है आर्कमिडीज जो है वो सामने आते हैं। आर्किमिडीज का उद्भव हो रहा है, ये भौतिक विज्ञान को नए रूप में सामने लाने का प्रयास करते हैं भौतिक विज्ञान को। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल और भूगोल, भूगोल भी अब एक नए रूप में सामने आ रहा है। भूगोल भी, ये भी विज्ञान की शाखा में ही आ रहा है भूगोल का ज्ञान भी। और अब भूगोल में हम देखते हैं टॉलमी का नाम, हम सभी परिचित है टॉलमी से, टॉलमी ने किस प्रकार से भूगोल भी लिखा है, ग्रंथ का की रचना की है। इसके अलावा भूगोल, भूगोल के क्षेत्र के भूगोल में ज्वार भाटा और जो अलग अलग जलीय क्षेत्र हैं समुद्र के, इनको 5 भागों में बांटने का काम, या जो है मैप बनाना, एक पूरे विश्व का मैप, भौगोलिक मैप बनाना, इसका काम जो है वो एक भूगोलविद है, इनका नाम है इराटोस्थनीज, इराटो इराटोस्थनीज, इराटोस्थनीज जो है उन्होंने भूगोल के ज्ञान को आगे बढ़ाया और उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है भौगोलिक जो वातावरण है वो किस प्रकार से जो है ज्वार भाटा या जो 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 है भौगोलिक जो है परिवर्तन आ रहा है, भूमंडली जो है जो प्रक्रियाओं में जो परिवर्तन आता है, जलीय परिवर्तन आता है, उन सब पर उन्होंने अपना अध्ययन प्रस्तुत किया पहली बार और भूगोल को भी विज्ञान की शाखा के रूप में प्रतिस्थापित किया। इसी प्रकार से खगोलिक, खगोल के क्षेत्र में भी अगर हम चर्चा करें, खगोल को एक विज्ञान के रूप में अगर प्रस्तुत करने का काम किसी ने किया खगोल को, तो अरिस्टार्कस, अरिस्टार्कस एक नाम आता है, अरिस्टार्कस, अरिस्टार्कस, अरिस्टार्कस ने भूगोल के क्षेत्र, खगोल के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो जो दूरी है, जो तारों की जो स्थिरता है दूरी के नाते है, अगर तारे जो स्थिर दिखते हैं तो चूंकि इतने बहुत अधिक हमसे दूर हैं कि वो हमें दूरी के नाते वो स्थिर दिखते हैं, अन्यथा तारे भी जो है वो बड़े महत्वपूर्ण तरीके से जो है उसी प्रकार से रोटेट होते हैं जैसे सूर्य करता है। सूर्य चारों ओर जो घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूम रहे हैं, इसका अध्ययन अगर हम करेंगे तो हम देखेंगे कि वह भी कहीं ना कहीं अरिस्टार्कस ने ही सामने प्रस्तुत किया है कि सूर्य स्थिर है और उसके चारों ओर जो है सभी ग्रह, चाहे वो पृथ्वी है चाहे बाकी जो ग्रह हैं, वो घूम रहे हैं। हालांकि जो यहूदी संप्रदाय है या उस समय के जो अन्य संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इसका विरोध किया बाद में और इस तरह से जो है अरिस्टार्कस का जो है आगे चल के विरोध भी होता है। साथ ही साथ हिप्पार्कस, हिप्पार्कस ने एक नाम है हिप्पार्कस, हिप्पार्कस भी खगोलविद थे और इन्होंने भी जो है खगोलीय क्षेत्र में उन्होंने चंद्रमा के साथ जो पृथ्वी की दूरी है उस पर अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने हिप्पार्कस ही ऐसा व्यक्ति है जो समुद्र, जो पृथ्वी का जो है एक प्रकार से परिधि का जो नाप करना है उस कार्य को भी हिप्पार्कस करता है। तो उस समय अगर आप देखें तो विज्ञान के क्षेत्र में भी, दर्शन के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हो रही है, विज्ञान के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, गणित है, जीव विज्ञान है, इन सब में, गणित के क्षेत्र में यूक्लिड से हम सभी परिचित हैं, गणित, गणित के क्षेत्र में यूक्लिड का जो प्रभाव है, एलिमेंट नामक पुस्तक उसने लिखा था यूक्लिड, ये सभी
ये सभी विकास जो है ये सब हेलेनिस्टिक कालखंड का है। और इसमें इसमें जो है हम देख सकते हैं कि हेलेनिस्टिक कालखंड एक प्रकार से ऐसा कालखंड है जो पूरे जो आज यूरोप की सभ्यता का जो विकास है, 17वीं 18वीं शताब्दी का जो विज्ञान है, उन सब की कहीं ना कहीं आधारभूमि, अगर उसके तत्व ढूंढने हो तो वो बिल्कुल जो है आपको हेलेनिस्टिक कालखंड में देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हेलेनिस्टिक कालखंड विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, सब में अपनी एक नई जो है आभा के साथ अपने आप को प्रस्तुत करता है। हेलेनिस्टिक कालखंड के बाद हम ये भी चर्चा कर सकते हैं कि पूरा एज अ होल यूनान की जो सभ्यता है उसने जो है पूरे विश्व को या यूरोपीय सभ्यता को, अन्य क्षेत्रों को, उसने कौन कौन से क्षेत्रों में प्रभावित किया। तो अगर हम देखें तो दर्शन के क्षेत्र में, जैसा कि पहले ही क्लासिकल एज में हम देख चुके हैं, सुकरात जैसा, अरस्तु जैसा, प्लेटो जैसे दार्शनिक है, तो दर्शन का क्षेत्र है जो यूनान की सभ्यता ने बड़े महत्वपूर्ण तरीके से सबको प्रभावित किया है। इसके अलावा कला का क्षेत्र है, इसके अलावा जो साम्राज्य विस्तार है जिसको लेकर के सिकंदर जैसा महान, जो सिकंदर महान के रूप में सामने आता है, यानी कि अपनी सीमाओं को विस्तृत करने का, जो विजयी बनने का, विश्व विजयी बनने का जो स्वप्न है, इस प्रकार के साम्राज्यिक विस्तार की जो जो देन है वो भी कहीं ना कहीं जो है पहली बार जो है ये यूनान की सभ्यता से देखने को मिलता है, साम्राज्य विस्तार का। इतिहास के क्षेत्र में, इतिहास लेखन को अगर देखा जाए तो ये भी यूनान की सभ्यता से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा विज्ञान, और विज्ञान में वो सभी, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि विज्ञान में चाहे वो गणित है, चाहे वो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान को एक नई, भौतिक और रसायन विज्ञान, इनको एक नई विज्ञान की शाखा के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय हेलेनिस्टिक कालखंड को है। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, हम सभी परिचित हैं, जीव विज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा के रूप में, हम अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता के रूप में जानते हैं, खगोल विज्ञान, इन सभी में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जो है इन यूनान की सभ्यता के जो जो दार्शनिक हैं, जो जो वैज्ञानिक हैं, उन सब ने अपनी जो अपनी भूमिका निभाई है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो यूनान की सभ्यता में कला का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा विस्तृत होता है। यूनानी कला के साथ साथ जो है उस कला में जो सम्मिश्रण हो रहा है भारतीय कलाओं के साथ या पर्शियन कलाओं के साथ, उसका भी विस्तार हम देखने को पाते हैं। तो यूनान की कला, दर्शन, कला, साम्राज्य विस्तार, इतिहास लेखन, विज्ञान और खगोल, ये सब इसके जो तत्व हैं, इन सब में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ व्यापार, जिस प्रकार से यूनान में एक कैस्पियन सागर, आयोनियन सागर और भूमध्य सागर के साथ जो जो व्यापार हो रहा है, जो सामुद्रिक व्यापार हो रहा है, जो वहां की जो बहुमूल्य रत्न है ही, और या जो जो मन जो पत्थर की, संगमरमर की मूर्तियां इत्यादि जो बन रहे हैं, उसके साथ जो व्यापारिक गतिविधि जो होती है अन्य देशों के साथ, वो भी हम देखते हैं कि उसके प्रति भी एक बहुत अधिक जो है आग्रह है इस यूनान की सभ्यता में, यूनानी सभ्यता के द्वारा जो है अन्य सभ्यताओं को देव के रूप में। इसके साथ ही साथ युद्ध कौशल, युद्ध कौशल में हम जो विभिन्न युद्ध के गुण देखते हैं, जो मैराथन का युद्ध होता है या जो सैलामिस का युद्ध होता है, प्लेटियो का युद्ध होता है, इन सभी युद्धों में, थर्मोकोली का युद्ध है, किस प्रकार से जो है अपने आप को जो है विजयों के लिए जो तत्पर रखना और बराबर जो है लड़ाई के लिए तैयार रखना, सैनिक राज्य के लिए तैयार रखना, इन सबको भी हम देखते हैं तो वो यूनान की सभ्यता से देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो गणतंत्र की प्रणाली है, यद्यपि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यूनान की सभ्यता की ओर से है, वो यूरोप की सभ्यता को निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि जो गणतंत्र की देन है, जो जनमत है, गणतंत्र के साथ जो जनमत की बात है, लॉटरी सिस्टम से जो है चुनाव की बात है, ये सब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है यूनान की सभ्यता की देन है विश्व के लिए और दुनिया के लिए। भारत यद्यपि गणतांत्रिक प्रणाली को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जैसा मैंने अपने पूर्व की क्लास में बता चुका हूं मैं, कि वो जी चुका है, उसको जो है आगे बढ़ाया हुआ है, लेकिन गणतंत्र में जो है जिस प्रकार से सिटी स्टेट की बात करते हैं, नगर राज्य की बात करते हैं, अब वो नगर राज्य और किस प्रकार से वो साम्राज्य में बदलता है, नगर राज्य है ना,
नगर राज्य से वो साम्राज्य तक कैसे आते हैं, इन सब का विस्तार भी इस यूनानी सभ्यता में हम देखने को पाते हैं कि नगर राज्य से और साम्राज्य तक, नगर राज्य से साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से है, होता है, इसका अध्ययन जब हमें करना होता है तो भी हम यूनानी सभ्यता की ओर देखते हैं। तो ये कुल मिलाकर के यूनान की सभ्यता का इतिहास है जिसने पूरे जो यूनानी जो इसके अलावा इसी को हम यूरोपीय सभ्यता की जननी भी कहते हैं। तो ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसने बहुत से ऐसे तत्व दिए कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, जो गणितज्ञ हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र में, मैं इसमें अभी औषधि के क्षेत्र में बताना भूल गया, औषधि के क्षेत्र में हीरोफिलस नामक एक जो है, एक उस समय हेलेनिस्टिक कालखंड में एक जो है औषधि विज्ञानी आते हैं हीरोफिलस, जिन्होंने मानव शरीर पर रचना, उसकी मानव शरीर की जो रचना है, एनाटॉमी है, उस पर जो है अपना अध्ययन प्रस्तुत करते हैं हीरोफिलस। तो औषधि का विज्ञान भी जो है, औषधि विज्ञान हम इसमें यहां ये भी जोड़ सकते हैं कि उन्होंने औषधि विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना योगदान किया है। तो ये जो सब कुछ एक कंक्रीट रूप में जो प्रदान किया है यूनान की सभ्यता ने दुनिया की सभ्यता को, इसके लिए हम यूनान की सभ्यता के हम सभी लोगों को इसका इसके प्रति ऋणी होना होता है, यूरोप की सभ्यता के लोगों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि पूरी यूरोपीय सभ्यता जैसा भी हम आगे अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है जब पुनर्जागरण का कालखंड आता है तो हम किस प्रकार से यूनान की सभ्यता की ओर और रोम की सभ्यता की ओर अपने आप को मुखातिब करते हैं। तो धन्यवाद, पुनः मिलेंगे, नमस्कार।